हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल फायर फाइटिंग इंजीनियरिंग। इस फील्ड की जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए, वीडियो को एंड तक देखिए और जो भी व्यूवर्स फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फायर प्रोटेक्शन सिस्टम में फायर पंप रूम के अलावा एक एक्स्ट्रा पंप लगाया जाता है जिसे बूस्टर पंप कहते हैं। तो आज हम उस बूस्टर पंप के कंस्ट्रक्शन के बारे में देखेंगे, उसकी असेंबली के बारे में देखेंगे, ख़ास तौर पे कि कैसे उसकी असेंबली की जाती है किसी भी बिल्डिंग पे। तो उस पंप रूम में, जैसे कि जहाँ पे बूस्टर पंप लगाया जा रहा है, उसके साथ कौन कौन सी असेंबली लगती है, कौन कौन से वॉल लगते हैं, उसकी एक ड्राइंग रहेगी जिसको हम आपको दिखाएंगे। और उस ड्राइंग में एक एक चीज़ मेंशन रहेगा कि कौन सी चीज़ क्या है, उसके बारे में डिटेल में समझेंगे। इससे पहले भी हमने वीडियो बना रखी है, लेकिन वो फायर फाइटिंग पंप रूम के बारे में बनाई है। उसमें हर एक चीज़ बताया हमने, जैसे कि कौन कौन से पंप इंस्टॉल किए जाते हैं फायर प्रोटेक्शन सिस्टम में, जैसे कि जॉकी पंप होता है, मेन फायर पंप होता है, डीजल पंप होता है, उन सब के बारे में हमने पहले से ही वीडियो बना रखी है। लेकिन आज का जो वीडियो हमारा रहेगा वो है बूस्टर पंप के ऊपर, कि बूस्टर पंप इंस्टॉल जब हम करते हैं तो उसके साथ कौन कौन सा वॉल देते हैं, कैसे कैसे लाइन जाती है, क्या क्या लेजेंड्स रहते हैं, उसकी एक ड्राइंग रहेगी। उस ड्राइंग की मदद से हम उसमें समझेंगे कि कैसे किस चीज़ का इंस्टॉलेशन होता है। अगर जनरली देखें बूस्टर पंप होता क्या है, बूस्टर पंप जनरली हम टेरेस पे लगाते हैं, जो हमारा ऊपर का प्रेशर हो उसको हम 2.5 kg से लेके 3.5 kg तक टेरेस पे हम प्रेशर मेंटेन रखते हैं, जिसमें बूस्टर पंप उस मकसद से लगाया जाता है। और उस पंप के साथ क्या क्या असेंबली होती हैं ये चीज़ भी हम देखेंगे। जनरली बूस्टर पंप को प्रेशर मेंटेन करने के लिए ही लगाया जाता है, और बूस्टर पंप की कैपेसिटी, हेड, हार्स पावर सब कुछ मेन पंप या फिर जॉकी पंप के कंपैरिजन में अक्सर हम कम ही रखते हैं। लेकिन ये जो हमारा पंप है इसका हार्स पावर है 25 हार्स पावर, जिसके बारे में हम आपको दिखाएंगे। तो अभी चलते हैं, देखते हैं क्या है। अभी आपके सामने एक ड्राइंग आई हुई है, इस ड्राइंग है में हम देखते हैं। सबसे पहले हम कोई भी ड्राइंग देखने से पहले, हमने ऑलरेडी ड्राइंग पे दो वीडियो बना रखी है, तो ड्राइंग देखने में सबसे पहले हम क्या देखते हैं, उसका लेजेंड देखते हैं। लेजेंड में हम आपको बताएंगे कि क्या क्या होता है। लेजेंड में जनरली हम सिंबल दिया होता है, सिंबल को देख के हम समझते हैं कि ड्राइंग में कौन कौन सी चीज़ कहाँ कहाँ पे मेंशन है। तो अभी आपके सामने देखिए, ये बूस्टर पंप लेजेंड्स करके दिया हुआ है। इसमें देखिए एक तरफ सीरियल नंबर दिया हुआ है सबसे लेफ्ट साइड में, उसके बाद उसके बगल वाले कॉलम में दिया हुआ है सिंबल्स, और उसके बाद डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, और साइड में देखिए वेट दिया हुआ है। जनरली वेट नहीं दिया होता है किसी भी ड्राइंग में कि किस असेंबली का या फिर किस वॉल का क्या वेट है, लेकिन इस पर्टिकुलर ड्राइंग में वेट भी दिया हुआ है कि अगर कोई लाइन या डिलीवरी लाइन या फिर गेट वॉल, एनआरवी वॉल, जो भी वॉल लग रहे हैं तो उसमें उसका वेट भी इसमें मेंशन किया है। तो सबसे पहले देख लेते हैं पहले नंबर पर क्या दिया हुआ है लेजेंड में। लेजेंड में यहाँ पर पहले नंबर पर दिया हुआ है सक्शन लाइन। सक्शन लाइन का कलर देखिए, थोड़ा सा ऑरेंज कलर में मिलता जुलता है। तो सक्शन लाइन जहाँ भी ऑरेंज कलर का लाइन होगा पूरे ड्राइंग में, वो सक्शन लाइन हमारी होगी। और सक्शन लाइन का वेट देखिए दिया हुआ है 82.68 kg, यानी कि जो हम पाइप लगाएंगे, जीआई का पाइप जनरली लगाते हैं, यहाँ पे भी हम जीआई का ही पाइप लगाएंगे, तो उस पर्टिकुलर पाइप का वेट जो रहेगा पूरी सक्शन लाइन का वो 82.68 kg रहेगा। अब दूसरे नंबर पर आते हैं, दूसरे नंबर पर रेड कलर की लाइन दी हुई है, जिसको देखिए मेंशन किया गया है डिलीवरी लाइन। तो डिलीवरी लाइन का वेट देखिए 19.5 kg, ये उसके कंपैरिजन में काफ़ी हल्का लग रहा है। ये जनरली हल्का नहीं है, हमने यहाँ पे डिलीवरी का लाइन जो कम डायमीटर का दिया हुआ है, यानी कि 3 इंच का दिया हुआ है, और सक्शन का लाइन यहाँ पे 4 इंच का दिया हुआ है, इसलिए वेट में इतना डिफरेंस आ रहा है। उसके आगे अगर हम बढ़ेंगे, 3 नंबर पर देखिए गेट वॉल दिया हुआ है, तो जहाँ पर इस तरह का सिंबल होगा वहाँ पर समझ लीजिए कि गेट वॉल लगा हुआ है। गेट वॉल का वेट देखिए 3 kg दिया हुआ है। उसके आगे 4th नंबर पर अगर हम आगे आएंगे, तो 4th नंबर पर देखिए नॉन रिटर्न वॉल यानी NRV दिया हुआ है। तो अगर ये ग्रीन कलर का ये सिंबल अगर जहाँ भी दिखाई देगा तो हम समझ लेंगे कि वहाँ पे NRV लगा हुआ है।
इस पर्टिकुलर NRV का वेट देखिए 5 kg दिया हुआ है। फिफ्थ नंबर पे अगर हम आएंगे तो देखेंगे क्या दिया हुआ है। फिफ्थ नंबर पे बॉल वॉल दिया हुआ है, जैसा ही सिंबल लगा वहाँ बॉल वॉल लगा। बॉल वॉल का वेट देखिए 1 kg तक दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पे हैवी बॉल वॉल लगने वाला है। सिक्स नंबर पे वाई स्ट्रेनर, तो जहाँ पे इस तरह का सिंबल होगा वो वाई स्ट्रेनर होगा। वाई स्ट्रेनर का देखिए वेट दिया है 20 kg, ये जनरली बहुत ही भारी होता है इसलिए ये 20 kg का है। और सेवेंथ नंबर पे आएंगे तो देखेंगे एक PG लिखा हुआ है वहाँ पे, यानी कि ये प्रेशर गेज का सिंबल है। एट्थ नंबर पे आएंगे तो SW, यानी कि स्विच, प्रेशर स्विच है ये। और नाइन्थ नंबर पे देखेंगे MSW, ये मास्टर स्विच है। टेंथ नंबर पे जो ये सिंबल दिया हुआ है ये केबल है, मतलब जो कि हमारा बूस्टर पंप से जो केबल जाएगा पैनल की तरफ वो सारा केबल का सिंबल इस कलर में दिया रहेगा। और एलेवेंथ नंबर पे LSC यानी लेवल स्विच कंट्रोलर है। ट्वेल्थ नंबर पे स्लूज वॉल है जो कि येलो कलर का है। स्लूज वॉल जनरली एक बटरफ्लाई वॉल की तरह से ही होता है, लेकिन स्लूज वॉल थोड़ा सा उसकी उसकी पावर, उसकी स्ट्रेंथ वो बटरफ्लाई वॉल के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है। थर्ड नंबर पे देखिए लिखा हुआ है PS, PS यानी प्रेशर स्विच। 14th नंबर पे वाटर टैंक, जहाँ पे वो सिंबल बना रहेगा उसको समझेंगे कि हम वाटर टैंक है। और 15th नंबर पे बूस्टर पंप का सिंबल दिया हुआ है, जहाँ पे ऐसा रहेगा सिंबल वो बूस्टर पंप है। बूस्टर पंप का वेट देख लेते हैं 105 kg, और ऊपर देखिए वाटर टैंक का वेट जो दिया हुआ है वो 409। 409 इसलिए क्योंकि यहाँ पे हमने इस ड्राइंग में हमने सिंटेक्स का 15,000 कैपेसिटी का हमने वाटर टैंक लिया हुआ है, जो कि सिंटेक्स का है। ये कंक्रीट या RCC या फिर MS टैंक नहीं है, ये सिंटेक्स का टैंक है इसलिए इसका वेट देखिए इतना कम है। 16th नंबर पे देखिए क्या दिया हुआ है, मैग्नेटिक फ्लोट इंडिकेटर, जिसका वेट 5 kg है। 17th नंबर पे अदर फिटिंग्स, अदर फिटिंग्स में देखिए क्या दिया हुआ है। अदर फिटिंग्स में जैसे फ्लांज हुआ, नट बोल्ट हुआ, सपोर्ट चैनल हुआ, सिंटेक्स टैंक फिटिंग्स यानी कि सिंटेक्स के टैंक के साथ जो फिटिंग आती है उन सब का फिटिंग, ये सारा करके कैलकुलेट करके उसका वेट हो जाएगा 150 kg। तो ये सारा लेजेंड की बात हुई कि इसमें क्या क्या दिया हुआ है, सीरियल नंबर, सिंबल्स, डिस्क्रिप्शंस और उसका वेट, ये सारा चीज़ दिया हुआ है। इसके ऊपर देखिए छोटा सा नोट लिखा हुआ है टॉप पे। नोट में क्या लिखा हुआ है, अप्रॉक्स वेट ऑफ द बूस्टर पंप सिस्टम विद द टैंक 550 प्लस 30818, यानी कि दिया हुआ है बूस्टर पंप का वेट और टैंक का वेट, यानी सारा का सारा जो भी हम फायर पंप रूम यानी बूस्टर पंप रूम का जो भी हम असेंबलिंग कर रहे हैं उस सारा चीज़ का वेट है 31,368 kg, 31,368 kg इतना वेट है। तो ये सारा हुआ, ये बात लेजेंड का। अब हम चलते हैं ड्राइंग की तरफ कि ड्राइंग में क्या दिया हुआ है। यहाँ पे बढ़ते हैं, ये देखिए सबसे पहले वाटर टैंक 2 सबसे राइट साइड में, उसके बगल में देखिए वाटर टैंक 1। यहाँ पे हम दो टैंक इंस्टॉल करेंगे, एक एक की कैपेसिटी होगी 15,000 लीटर, यानी कि दो टैंक हो जाएंगे तो 30,000 लीटर हमारा पानी रहेगा। ये सिंटेक्स का टैंक है, यहाँ हम इंस्टॉल करेंगे। ये दो टैंक है, टैंक 1 है, टैंक 2 है। उसके आगे बढ़ेंगे हम, इसके इन बिटवीन में देख लीजिए आप सिंटेक्स टैंक फ्लेक्सिबल पाइप फिटिंग, यानी कि सिंटेक्स टैंक का जो फ्लेक्सिबल पाइप की फिटिंग है, ये फ्लेक्सिबल पाइप होता है दोनों के बीच में, दोनों टैंक को इंटरसेक्ट करने के लिए ये फ्लेक्सिबल का पाइप दिया रहता है, जहाँ से इसको इसलिए लगा जाता है ताकि दोनों टैंक में वाटर का लेवल एक जैसा हो, यानी वाटर लेवल को मेंटेन करने के लिए इसको लगाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए सिंटेक्स टैंक फ्लेक्सिबल पाइप फिटिंग्स यहाँ पे भी दिया हुआ है। ये पहला वाला जो सिंटेक्स टैंक फ्लेक्सिबल पाइप फिटिंग था ये दोनों टैंक को जोड़ने के लिए था, और ये दूसरा वाला है यहाँ से हम अपने GI पाइप में कनेक्शन देना स्टार्ट करेंगे, ये इस चीज़ के लिए है। देखिए 100 NB लिखा हुआ, यानी कि 100 mm का डायमीटर का हमारा सक्शन रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं, ये सारी चीज़ें देखिए दी हुई हैं, हर एक चीज़ जो जो सिंबल में दिखाया था हमने सारी चीज़ दी हुई हैं। देखिए सबसे पहले जो टॉप पे देखिए बिल्कुल सेंटर में वो एयर रिलीज वॉल लगा हुआ है, उसके बाद जहाँ जहाँ येलो कलर में दिया हुआ है ये वॉल, ये स्लूज वॉल लगा हुआ है। फिर आगे बढ़िए, वहाँ पे प्रेशर गेज लिखा हुआ है, फिर प्रेशर स्विच है, फिर ग्रीन कलर का 100 mm डायमीटर का ये NRV है,
जस्ट उसके नीचे देखिए वाइस ट्रेनर लगा हुआ है। इस तरीके से ये सारी चीज़ें दी हुई हैं असेंबली करके। ये देखिए सबसे साइड में लिखा हुआ टेरेस, यानी कि जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि ये सब चीज़ें यानी बूस्टर पंप जनरली हम टेरेस पे ही लगाते हैं। उसका वाटर ऊपर से नीचे की तरफ आता है, और जो हम पंप रूम जो नीचे इंस्टॉल करते हैं बेसमेंट में या फिर और कहीं, तो उसका पानी नीचे से ऊपर की तरफ जाता है। तो ये दोनों में डिफरेंस होता है। ये सारी की सारी लाइन देखिए बनी हुई है। अगर हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले अगर देखेंगे जहाँ पे वाइस ट्रेनर लगा हुआ है, यानी कि ये पंप है, पंप का जो सक्शन लाइन है ये चीज़ शो कर रहा है जहाँ पे वाइस ट्रेनर लगा हुआ है। तो सक्शन से जैसे ही हम बाहर निकल रहे हैं तो सबसे पहले देखिए ये वाइस ट्रेनर लगा हुआ है, उसके बाद देखिए स्लूज वॉल लगा हुआ है, और स्लूज वॉल की लाइन 100 mm की देखिए सीधे आगे जा रही है। आगे जाते जाते यहाँ पे ये टैंक के साथ मर्ज हो जा रही है। तो ये था हमारा सक्शन का लाइन। इसी तरीके से अगर हम डिस्चार्ज का लाइन देखेंगे जो कि ऊपर बना हुआ है, जो स्ट्रेनर लगा हुआ है उसके ऊपर वाला लाइन, वो देखिए वो डिस्चार्ज का लाइन है। तो देखिए वहाँ पे 100 mm यानी 100 mm डायमीटर का डिस्चार्ज लाइन का पाइप निकल रहा है रेड कलर का। तुरंत आगे जाने के बाद सबसे पहले जो असेंबली लगी हुई है वो देखिए NRV लगी हुई है, उसके बाद प्रेशर स्विच लगा हुआ है। प्रेशर स्विच का कनेक्शन हम सीधे फायर पैनल में देते हैं और वहाँ से हमारा पंप रेगुलेट होता है। उसके आगे देखिए यहाँ पे PG जहाँ लिखा हुआ है ये प्रेशर गेज है। प्रेशर गेज में ये शो करता है कि हमारा पंप जब स्टार्ट हो रहा है तो हमारे डिस्चार्ज की लाइन में कितना KG प्रेशर है। उसके आगे बढ़ेंगे ये बिल्कुल लाइट कलर का यानी येलो कलर का जो लिखा जो शो किया गया है ये है स्लूज वॉल। उसके आगे बढ़ेंगे ये देखिए हमारा राइजर है। राइजर के देखिए बिल्कुल टॉप पे एयर रिलीज वॉल लगा हुआ है, और ये राइजर देखिए नीचे आया हुआ है। ये 100 mm डायमीटर का राइजर है, देखिए सीधे गया नीचे की तरफ। बाकी नीचे असेंबलीज लगी हुई हैं जो भी हैं, ये फायर हाइड्रेंट सिस्टम की असेंबलीज लगी हुई हैं। तो ये छोटा सा वो था बूस्टर पंप का ये ड्राइंग कि कैसे 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 असेंबल करते हैं। ये डिस्चार्ज लाइन गई हुई है ये वर्टिकली हर फ्लोर पे, देखिए फोर्थ फ्लोर है, उसके आगे थर्ड फ्लोर, ऐसे करते करते ये टोटल बस छोटी सी साइट है, बस केवल 4 ही फ्लोर की साइट है। तो 4 फ्लोर की साइट में हमने यहाँ पे मेन फायर पंप या जॉकी पंप या फिर हाइड्रेंट पंप ऐसा कुछ नहीं दिया है, हमने सिंपली एक बूस्टर पंप दिया है जो कि ज़्यादा पावर यानी कि 25 HP का कैपेसिटी का ये हमने पंप लगाया है, और इस पंप में इंस्टॉलेशन सारा का सारा दे दिया है। यहाँ पे स्प्रिंकलर सिस्टम नहीं है, बस केवल हाइड्रेंट सिस्टम है, और यहाँ पे 4 लैंडिंग वॉल लगे हुए हैं, और बाकी हर फ्लोर पे हमने होज बॉक्स के साथ होज रील का पूरा असेंबलिंग दिया हुआ है। तो ये था आज का वीडियो। इस वीडियो में हमने सब कुछ देखा कि कैसे बूस्टर पंप में कैसे कैसे कनेक्शन देते हैं। बूस्टर पंप जो कि मेन फायर पंप जैसा होता है वहाँ पे भी उसका कनेक्शन वैसे ही होता है जैसा कि बूस्टर पंप में हुआ है, क्योंकि ये बूस्टर पंप थोड़ा सा कम कैपेसिटी का होता है, कम पावर का होता है, इसलिए इसमें सारी फिटिंग्स नहीं लगी हुई हैं जो कि जनरली बड़े पंप में लगती हैं। जो कि अभी हमने बहुत सारे वीडियो भी बना रखे हैं इस चैनल पर पंप से रिलेटेड, तो उस पंप में कहीं कहीं पर हमने बेलो रबर बेलो दिया हुआ है, लेकिन इस पर्टिकुलर ड्राइंग में कहीं भी रबर बेलो का मेंशन नहीं किया गया है, क्योंकि इसकी कैपेसिटी ज़्यादा नहीं है। तो अगर ये स्टार्ट भी होता है तो इसमें जर्क बहुत कम आता है, तो जनरली जर्क को एब्जॉर्व यानी वाइब्रेशन को एब्जॉर्व करने के लिए ही हम लगाते हैं, लेकिन इस पर्टिकुलर पंप में ऐसा कुछ ज़्यादा कैपेसिटी का नहीं है। तो यहाँ पर बेलो रबर हमने नहीं दिया हुआ है, और जो हमने वीडियो बना रखी है उसमें रबर बेलो दिया हुआ है, उसमें आप देखिए कि कैसा दिखता है रबर बेलो, और उसकी भी असेंबली देखिए, क्योंकि वो जो वीडियो हमने बना रखी है फायर पंप की उसमें बहुत ही बड़ा पंप यानी मेन फायर पंप है, और उसकी कैपेसिटी 360 HP यानी कि 360 hp का पंप है वो, यानी बहुत बड़ा पंप है, इसके कंपेरिजन में ये बहुत छोटा पंप है। लेकिन ये सारी बात हुई बूस्टर पंप की। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक करें और कमेंट करके अपनी राय दें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे जल्दी ही एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच।